और कराची जिना ग्राउंड अजीजाबाद में एमकेएम पाकिस्तान की योम तशक्कुर की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कारकुनान पुरजोश हैं। मज़ीद तफसीला जानेंगे, जिना ग्राउंड में मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत अली, उनकी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिना ग्राउंड के अंदर, जहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अब से कुछ देर बाद यौम तशक्कुर का प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाएगा। एम के पाकिस्तान ने कराची हैदराबाद में जो अक्सरियत हासिल की उसकी बुनियाद पर आज जिना ग्राउंड के अंदर यौम तशक्कुर का प्रोग्राम मनाने का इरादा किया था। इस वक्त जो जिना ग्राउंड है वो बिल्कुल सज चुका है, चारों अतराफ झंडे लगा दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ कारकुनान भी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश कर। ठीक है, तारीखी फतेह के बाद एमकेएम पाकिस्तान आज 8 सालों बाद जिना ग्राउंड में मौजूद है और एक तारीखी जश्न मनाने जा रही है। वैसे ही जश्न जैसे 2015 के दिन इंतखाबात में नवेद भाई की जीतने के बाद जो एमकेएम ने जश्न मनाया था, दुनिया ने उस जश्न को देखा था। आज एमकेएम पाकिस्तान वही जश्न मनाएगी। आज एमकेएम पाकिस्तान का यहाँ पर मौजूद होना, आज 8 सालों बाद जिना ग्राउंड जिए मुत्तहिदा जिए महाजिर के नारों से गूंजेगा, जो कि महाजिर कौम की फतह है, पश्तून कौम की फतह है, सिंधी बलोच हर मजलूम कौम की फतह है, क्योंकि ये एक मरकज समझा जाता है मजलूम कौमियत से ताल्लुक रखने वाले लोगों का। तो आज एमकेएम यहाँ पर जश्न मना के उन सियासी मुखालिफिन को भी बता देगी कि तुम्हारा कराची मुत्तहिदा का था, मुत्तहिदा का है और मुत्तहिदा का रहेगा। अभी देखें, ये एमकेएम के कारकुनान थे जो बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे। इनकी जानिब से कहना था कि जिना ग्राउंड के अंदर 8 साल आने के बाद बहुत अच्छा फील कर रही है एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान, अब से कुछ देर बाद इस प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाएगा। मुल्क से नामवर शुरा कराम और गाहिक को भी यहाँ पे मधु किया गया, जो अवाम के लहू को गरमाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।